नया साल दस्तक दे रहा है और दस्तक दे रही है नई नए अवसर, साथ में लव रिलेशनशिप कैसे जाएंगे, वृश्चिक राशि वालों की सबसे बड़ी चिंता इस समय है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मैं देख पा रहा हूँ कि वृश्चिक राशि वालों की जो लव रिलेशनशिप है उसमें उतार चढ़ाव है। अगर आप दाम्पत्य जीवन में भी हैं तो भी उसके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, अगर हम प्रेम के बारे में बात करें तो 2023 में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत भले ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा तो दिक्कतें भी बढ़ेंगी। हालांकि अगर आप सिंगल हैं तो शुरुआती दौर में आपको कोई नया साथी मिल सकता है और आपका प्यार परवान चढ़ सकता है। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो यहाँ पर मजबूती ज़रूर आएगी। आप अपने प्रिय के साथ बहुत अच्छे तरीके से घूमते फिरते दिखाई देंगे। फरवरी और मार्च में विशेष रूप से आपको रोमांस बहुत ही आपका अच्छा रहेगा और आपका प्यार भी गहरा होता हुआ दिखाई देगा। आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करेंगे, यहाँ तक कि विवाह की प्लानिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अप्रैल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितियाँ अनुकूल रहेंगी, लेकिन जैसे ही बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा तो धीरे धीरे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब दिक्कतें भी ऐसी कि घर वाले नहीं मान रहे, कुछ तीसरे व्यक्ति की आगमन आपके रिलेशनशिप में हो गई, ये सारी समस्याएं आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। उस दौरान आपके चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होगा और पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ होकर ये पीड़ित हो जाएंगे। मई से अगस्त के बीच तनाव देखने को मिलेगा, खींचातानी, रिश्तों में टकराव की स्थिति बन सकती है। हालांकि अगर आपका ये समय निकाल दें, मई से लेकर अगस्त तक की हम स्थिति को निकाल दें, अगस्त के बाद से फिर से आपकी जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी और रिश्तों में आप हल्का महसूस करेंगे एक दूसरे की बातों को, और जो पुरानी बातें उन मई और अगस्त के बीच में होंगी उनको आप भूल कर आगे बढ़ेंगे और आप अपने आप को फिर से उस ऊर्जावान अपने आप को देख पाएंगे, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। नवंबर दिसंबर में फिर से आपकी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम पूरे साल में देखें तो मई से लेकर अगस्त तक की जो स्थिति है वो आपको, मुझे लगता है कि आपको विशेषतः यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको विशेष रूप से यहाँ पर रहने वाली है। ऐसे में उपाय आप क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और अपनी कुंडली के हिसाब से कोई रत्न आप पहन लें तो बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपकी कौन सी दशा और महादशा चल रही है वो आपकी कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है। कोशिश कीजिएगा अपने आप को शांत रखने की और बहसबाजी में आप ना ही पड़ें तो बेहतर यहाँ पर रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो साल है आपका, ये उतार चढ़ाव वाला लव के मामलों में रहने वाला है। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ यूँ ही।